सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 15th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। क्या मतलब है? नहीं मतलब तो कुछ नहीं है, हमने इसका एक टॉपिक कराया था व्हेन द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन। हमने कहा था कि अगर आपके रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट दिया हो तो आप उसको सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करिए। तो चेंज करिए, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का तरीका हमने बताया था, उस टॉपिक को देख लीजिएगा, इसी प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं दूंगा क्योंकि भूल जाता हूँ, मैं वीडियो में बोल देता हूँ दे दूंगा और फिर देता नहीं हूँ, तो लड़के कहते हैं जवाब आपने तो लिखा नहीं, क्योंकि बहुत काम होता है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट वही है, उसमें मिल जाएगा आपको। हमने कहा था पहला काम तो है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को वन कर दीजिए, गुणांक को वन कर दीजिए, वन है कोई मतलब नहीं। इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म को देखिए, देख लिया, एक्स का जो कोफिशेंट है प्लस का 2 उसको आधा कर दीजिए, प्लस का 1, यानी ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे साहब ये बताइए कि आपने तो दो टर्म देखे और कर दिया आपने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बाइनोमियल का स्क्वायर है, और बाइनोमियल में जब दो टर्म होते हैं, बाइनोमियल में दो टर्म होते ही है जब क्या होता है, तो वहाँ तीन टर्म आते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आएगा प्लस 1 भी आएगा, तो प्लस 1 यहाँ से छीन लीजिए, यहाँ 4 बचेगा और 4 को 2 स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1 को t मान लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, अदरवाइज हम इसको x मन में मान लेंगे, तो dx बराबर dt, तो ये इंटीग्रल आपका आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अब आपको अगर फार्मूला मालूम हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, और ना मालूम हो तो पन्ने को पीछे पलटिए, मतलब जहाँ भी आपके पास फॉर्मूले लिखे हों, और वहाँ से चीटिंग करके रख दीजिएगा। हमने इंटीग्रल पढ़ा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, अपान नहीं ऊपर, तो होता है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या कर रहा हूँ, प्लस कॉन्स्टेंट जो भी होता है ये होता है। इसमें तीन चार तरीके के फार्मूले थे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चूँकि प्लस के केस में चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन फार्मूले थे, है ना, हम तीनों बताने नहीं जा रहे हैं। तो ये फार्मूला लगेगा, एक्स यहाँ पर टी है तो 1/2 एक्स बोले तो टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट, आंसर आ गया। अब टी का मान रख दो 1/2, टी का मान क्या है एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट। रूट के अंदर तो यही आ जाना है, कैलकुलेट करके यही आएगा चाहे जो आपने माना हो, तो एक बार खोल दो इसको उठा करके, तो आएगा 1/2 एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ 7.9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.9, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हमने 9 एक्सरसाइज, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनका सलूशन प्रोवाइड किया। आशा है कि आपके फायदे की चीज़ रही होगी, मेरे फायदे की तो है ही है भाई, सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, तो हमारा फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। YouTube में कोई भी
समाज सेवा नहीं कर रहा है, जो आकर के यूट्यूब पे समाज सेवा की बात कर रहा है, अपना काम करे, सब्सक्राइबर उसके पास हैं, उसको व्यू मिलते हैं, उसको पैसा मिलता है, इसलिए वो मेहनत करता है। किसी के पास 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के पास ऐप पे मान लिया 10 लाख लोग जुड़ गए, तो उसने 1 रुपये फीस ले ली। अब 1 रुपये फीस हमें ले रहा हूँ आपसे, तो 10 लाख रुपये हमको फीस मिल रही है 1 रुपये फीस पे, ठीक है। तो ये हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं, वो एक अलग की बात है, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।